नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा कहा गया कि विगत 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती महानगरपालिका की सत्ता में रहते हुए बेहद शानदार व समाधानकारक ढंग से काम किया। यद्यपि कोविड संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से काफी लंबा समय केवल स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर ही पूरा फोकस रहा, लेकिन इसके बावजूद आम जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को पूरी प्राथमिकता दी गई और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विविध विकास कार्य पूर्ण किए गए, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी पर शहरवासियों का विश्वास बढ़ा है और मनपा के आगामी चुनाव में भाजपा अपने दम पर 98 में कम से कम 50 सीटें निश्चित तौर पर जीतने वाली है। इसी बात के मद्देनजर अमरावती शहर भाजपा द्वारा मनपा क्षेत्र में अब की बार 50 के पार का नारा व लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी का नारा है कि अब की बार 50 के पार। 2017 में हमने 47 में 87 में से 45 चुन किया है और सत्ता में बैठे, अभी 98 में से हमारे 50 के ऊपर आएंगे और हम सत्ता में महापौर खुल के बलबूते पे बैठाएंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से जो प्रभाग रचना है उस पर दिख रहा है। रोस्टर आने के बाद ज़्यादा क्लोरिटी आएंगी। अभी जो प्रभाग रचना है 33 की, उसमें 5 मुस्लिम बहुल है, 28 प्रभाग जो है वो यानी 15 नगर सेवक छोड़ दिए, तो बाकी बचे हुए जो 83 नगर सेवक है जहाँ बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है उसमें 50 चुन के आएंगे, क्योंकि 14 प्रभाग ऐसे है वहाँ हमारे 3 के 3 चुन के आने के पूरे चांसेस है। जो मिडल का शहर है थोड़ा बहुत तो जो एकदम कॉर्नर के जो परीक बोलते हैं उस पे के जो प्रभाग है उसमें थोड़ी कमजोरी रहेंगी या एक या दो आएंगे, मगर हार्ट ऑफ द सिटी में जितने भी प्रभाग है उसमें हमारे 14 इसमें 3 के 3 आएंगे, ऐसा हमारा अभी चित्र दिख रहा है। क्योंकि राष्ट्रवादी के पास उम्मीदवार नहीं है, शिवसेना के पास उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस हमारे उम्मीदवारों के पीछे पड़ी हुई है। हमारे अनेक उम्मीदवारों से उन्होंने घर पे गए, उनको बुलाए, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए तीनों पार्टियों के पास उम्मीदवार नहीं है और हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, ये हमारी स्थिति है। तो निश्चित रूप से इस बार हम स्पष्ट रूप से खुद के बलबूते पे 50 चुन के लाएंगे। आज मंडल न्यूज़ के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति व भूमिका के साथ साथ विगत 5 वर्षों के दौरान पार्टी द्वारा मनपा की सत्ता में रहते हुए किए गए कामों व प्रदर्शन को लेकर खुलकर अपने विचार रखे और सभी सवालों का खुले दिल से जवाब भी दिया। इस बातचीत के दौरान भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर अमरावती की जिला पालक मंत्री कम और कांग्रेस नेत्री ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि उनका ध्यान जिले के विकास की ओर बेहद कम होता है, बल्कि वे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध के स्वर बहुत ज्यादा मुखर करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों सहित भाजपा की सत्ता रहने वाली स्थानीय स्वायत्त निकायों के साथ उनका पक्षपातपूर्ण रवैया भी रहता है। अमरावती की जो पालक मंत्री है तीसरी बार चुन के आ गई, एक दबंग महिला नेता करके उनके बारे में बोला जाता था, मगर सही अर्थों में वो दबंग है, मगर कांग्रेस की नेता करके दबंगाई कर रही है, ना कि पालक मंत्री करके। अमरावती शहर और जिले के विकास के लिए काम करने के जगह जहाँ जहाँ भी विरोधी पार्टियों की सत्ता है वहाँ विकास कैसा ना होगा ये उनकी कोशिश है। ना उन्होंने शहर में मेडिकल कॉलेज लाने के लिए पहल किया है, ना बेलोरा विमानतल के लिए पहल किया है, ना कॉरपोरेशन को पैसा ला के वहाँ के विकास कार्य जो रुके हैं उसके लिए पहल किया है। वो ज़्यादातर समय अपना बीजेपी पे या मोदी जी पे अटैक करने में गवाती है और जब दंगा हुआ तो 12 और 13 तारीख को 2-3 दिन वो पूरी सिर्फ शांतता समिति के नाम पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेके सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले में घूमी, बाकी जगह घूमी नहीं है, वो टोटली पॉलिटिक्स कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विधायक सुलभा खोड़के अमरावती शहर में केवल नाम की विधायक हैं और विधायक खोड़के खुद संभ्रम का शिकार भी हैं कि वे इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं अथवा कांग्रेस पार्टी में। और जो कांग्रेस की आंदर है वो तो संभ्रमित है कि राष्ट्रवादी को मजबूत करे कि कांग्रेस को मजबूत करे। उन्होंने कोई विकास के कार्य किए ऐसा दिख ही नहीं रहा, उनका अमरावती शहर के पॉलिटिक्स पे और विकास कार्य पे कहीं भी प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। और अभी आने वाले कॉरपोरेशन में
संजय भाऊ ये राष्ट्रवादी को बहुत ताकत से मजबूत करने में लगे हुए हैं, और कांग्रेस कांग्रेस को तो सुलभाताई का क्या रोल है इसके बारे में जनता भी संभ्रमित है और सुलभाताई भी संभ्रमित है, ऐसा हमारा मानना है। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा अपने जाति वैधता प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर दायर की गई याचिका पर अब अगली सुनवाई आगामी 29 मार्च को होगी। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, किंतु प्रतिवादी पक्ष यानी पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल के वकील सिंघवी को ऐन समय पर कोई अन्य काम निकल आने की वजह से वे सुनवाई के वक्त अदालत में उपस्थित नहीं थे, जबकि इस समय सांसद नवनीत राणा की ओर से मुकुल रोहतगी की पैरवी करने हेतु अदालत में हाजिर हुए। यह मामला आज दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास सुनवाई हेतु अदालत के पटल पर रखा गया, जिसके बाद न्यायमूर्ति विनीत शरण व न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने आज कामकाज खत्म होने तक महज 1.5-2 घंटे के समय को मामले की सुनवाई के लिए अपर्याप्त बताया और इसे कम से कम 2 हफ्ते के लिए मुलतवी रखने की बात कही, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मार्च की तारीख तय की गई। ऐसे में अब यह मामला करीब 1.25 माह के लिए आगे टल गया है। राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने आज कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा की जयंती अवसर पर चांदूर बाजार शहर परिसर में जयस्तंभ को नमन करने के साथ ही परिसर में झाड़ू मारते हुए और कचरा उठाते हुए साफ सफाई। निष्काम कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा ने अपने पूरे जीवन काल के दौरान साफ सफाई को सर्वाधिक महत्व दिया था और वे आजीवन लोगों को साफ सफाई का संदेश देते हुए जागरूक करते रहे। संत गाड़गे बाबा का चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र से गहरा वास्ता रहा और राज्य मंत्री बच्चू कड़ू इसी तहसील के निवासी रहने के साथ साथ इस क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हो रहे हैं, साथ ही इन दिनों महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। संत गजानन महाराज प्रगट दिवस के अवसर पर आज स्थानीय केडिया नगर परिसर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर से संत श्री की पालकी व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी यहां उपस्थित रहकर पालकी को थामा और पूरे विधि विधान के साथ संत गजानन महाराज की पालकी का पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने अपने सिर माथे पर तुलसी वृक्ष को धारण करते हुए शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं के साथ फुगड़ी भी खेली, जिससे शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं का उत्साह द्विगुणित हुआ। आज अमरावती शहर सहित जिले में जगह जगह पर श्री संत गजानन महाराज का प्रगटोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष में सभी गजानन मंदिरों में संत गजानन महाराज की प्रतिमाओं का पूजन करने के साथ ही पालकी व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसे में वातावरण पूरी तरह से धर्ममय रहने के साथ ही हर्षोल्लास से भरा रहा। हालांकि कोविड संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए विगत 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी महाप्रसाद बारी का कहीं आयोजन नहीं हुआ, बल्कि इसके स्थान पर सभी भाविक श्रद्धालुओं को घर ले जाने हेतु प्रसाद दिया गया। स्थानीय दस्तुनगर परिसर के श्री कॉलोनी स्थित गजानन महाराज मंदिर में आज बड़ी धूमधाम से श्री संत गजानन महाराज का प्रकटोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व धर्मशील जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर महाराष्ट्र राज्य सरकारी व अर्ध सरकारी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा शुरू की गई 2 दिवसीय हड़ताल के तहत आज पहले दिन तो सभी सरकारी महकमों में कामकाज बंद रहा। वहीं इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की तैयारी दर्शाए जाने के बाद अब इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कल गुरुवार 24 फरवरी से सभी सरकारी व अर्ध सरकारी महकमों में कामकाज पहले की तरह पूर्ववत हो जाएगा। कि जुनिया जे सेवावर कर्मचारी आहे ज्यांना जे जुनी पेन्शन योजना आहे ही पेन्शन योजना 2005 नंतर जे नवीन कर्मचारी लागलेले आहे यांना मिळाली पाहिजे। सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्ष झालं पाहिजे
आणि केंद्र सरकारने जो एक अत्यंत घातक निर्णय घेतलेला आहे की जीपीएफ मध्ये आम्ही जी जीपीएफ ची जी रक्कम जमा करतो त्यामध्ये जे आम्हाला व्याज मिळते त्या व्याज हे इन्कम टॅक्स मध्ये भरण्यात येत आहे. ही अतिशय चाचक अट केंद्र सरकारने रद्द करावी, राज्य सरकारने त्याचा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे करावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आणि अनुकंपाखाली ज्या भरत्या होत असतात ह्या पूर्णपणे थांबलेल्या आहे, त्या पूर्ववत चालू कराव्या, त्यातल्या चाचक अटी दूर करण्यात याव्या. तसेच वहीं इससे पहले पुरानी पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर सरकारी व निम सरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संगठन द्वारा आज राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन किया गया, जिसकी वजह से विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थाओं एवं कार्यालयों में आज पूरा दिन कामकाज पूरी तरह से बंद रहा. शहर के प्रमुख व्यापारिक इलाकों में और सड़कों के किनारे फुटकर व्यवसाय करने वाले फेरी वालों की भीड़भाड़ को अनुशासित व व्यवस्थित करने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा शहर में हॉकर जोन की संकल्पना को साकार किया जा रहा है. इसी के तहत अब अलग अलग प्रभागों व वार्डों में व्यवसाय करने वाले फेरी वालों को मनपा प्रशासन द्वारा पहचान पत्र दिए जा रहे हैं. इन पहचान पत्रों में फेरी वालों के नाम व स्थायी पते सहित उनके व्यवसाय के स्वरूप व व्यवसाय करने वाले स्थान व समय की जानकारी दर्ज रहेगी. विगत रविवार 20 फरवरी को पूज्य पंचायत कवरनगर के सदस्यों का चयन करने हेतु मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई. पश्चात मतदान व मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पूज्य पंचायत कवरनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल बत्रा द्वारा 85 सदस्यों के नामों की सूची सहित चुनाव समिति की रिपोर्ट गत रोज पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष वासुदेव नौलानी को सौंपी गई, जिसके बाद कवरनगर पंचायत द्वारा आगामी रविवार 27 फरवरी को पंचायत के नवनिर्वाचित 85 सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी. इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उन्हें पंचायत सदस्य निर्वाचित का प्रमाण पत्र दिया जाएगा. इसी बैठक में कवरनगर पंचायत के मुख्य 7 कार्यकारिणी सदस्यों के चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष का किस प्रकार चयन किया जाए इस पर विचार विमर्श होगा, जिसके तहत तय किया जाएगा कि यह चयन सर्वसम्मति से किया जाए या फिर इन पदों के लिए चुनाव करवाया जाए. भीम ब्रिगेड द्वारा आज जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नाम बदलकर इसे सामान्य अस्पताल नाम दिया जाए, साथ ही यहां की साफ सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान देते हुए मेस को लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाए. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आज जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति को भिजवाए गए ज्ञापन में कहा गया कि कर्नाटक के शिमोगा में हर्षा नामक कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या की गई, यह बहुत ही निंदनीय है, अतः संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 7 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 76 है. इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 36 और ग्रामीण क्षेत्र के 40 मरीजों का समावेश है. इनमें से 15 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है, वहीं मनपा क्षेत्र में 39 और ग्रामीण क्षेत्र में 22 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है. साथ ही आज 28 मरीज कोविड मुक्त भी हुए. विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 664 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1.05% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.40% के स्तर पर है. आज समूचे संभाग में कुल 28 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 5, यवतमाल के 4, बुलढाणा के 3 व वाशिम के 9 मरीजों का समावेश रहा. वहीं इस दौरान संभाग में 114 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 9, यवतमाल के 30, बुलढाणा के 28 व वाशिम के 19 व्यक्तियों का समावेश है. साथ ही आज संभाग के अकोला जिले में भी एक संक्रमित की मौत हुई है. परतवाड़ा से करीब 7 किलोमीटर दूर रंजनगांव मार्ग पर येनी पांडरी गांव के पास एक खेत में बने कच्चे कमरे में आज सुबह अधेड़ आयु वाले महिला व पुरुष की रक्त रंजित लाशें बरामद हुई, जिससे परिसर में जबरदस्त सनसनी है. पश्चात इन दोनों लाशों की शिनाख्त कांडली परिसर निवासी 48 वर्षीय सुधीर बोबड़े व 48 वर्षीय एक विवाहित महिला के तौर पर की गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक सुधीर बोबड़े कांडली के वनश्री कॉलोनी परिसर का रहने वाला था, तथा कांडली स्टॉप परिसर में महाकाल पान सेंटर नामक पानठेला चलाया जाता था. सुधीर बोबड़े के परिवार में उसकी पत्नी व 2 बेटे हैं. वहीं मृतक महिला कांडली के रामनगर परिसर की निवासी थी और इस विवाहिता के परिवार में टेलरिंग का व्यवसाय करने वाले उसके पति सहित एक मूक बधिर बेटा व 2 विवाहित बेटियां हैं. सुधीर बोबड़े और यह विवाहित महिला कल मंगलवार 22 फरवरी की सुबह 11 बजे के आसपास कांडली परिसर से लापता हो गए थे, जिसके बाद विवाहिता के पति ने कांडली पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने इस विवाहिता की खोजबीन करनी शुरू की थी. वहीं आज सुबह परतवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर येनी पांडरी गांव के पास ही राकेश चंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति के खेत में बने कमरे से 2 लोगों की रक्तरंजित लाशें मिलने की खबर सामने आई, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर जब शवों के पास मौजूद मोबाइल फोन, बैग व पर्स की जांच पड़ताल की, तब पता चला कि यह वही विवाहित महिला है जो कल कांडली परिसर से लापता हुई थी. साथ ही उसके साथ मृत पाया गया व्यक्ति कांडली परिसर का निवासी सुधीर बोबड़े है. इसी कमरे के पास खेत परिसर में सुधीर बोबड़े का दुपहिया वाहन भी बरामद हुआ है. दोनों मृतकों के गर्दन व सीने पर चाकू के गहरे घाव हैं. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
अपनी जान बचाने के लिए विशाल रामटेके ने आकाश खिराले की हत्या करने के साथ ही दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में नांदगांव पेट पुलिस ने राहड़गांव राजूरा बेड़ा मार्ग के स्मशान भूमि के पीछे तालाब के पास से चाकू और ईट भट्टी परिसर से विशाल के कपड़े बरामद किए हैं। साथ ही मृतक आकाश का मोबाइल वलगांव मार्ग पर फेंका गया था, जिसे पुलिस ने आज जब्त कर लिया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से मुंहपेट पर अंग्रेजी शराब ले जाते समय अशोक डोड नामक आरोपी को आज पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर गिरफ्तार किया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने राजा उर्फ राजेश फूलचंद तिवारी को कुछ दिन पूर्व जिले से तड़ीपार किया था। पश्चात राजा तिवारी ने विभागीय आयुक्त के पास अपील करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उसे सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, किंतु उसे दी गई छूट का उल्लंघन करने के कारण विभागीय आयुक्त ने राजा तिवारी का आवेदन खारिज कर दिया और पुलिस ने एक बार फिर राजा तिवारी को तड़ीपार करते हुए जिले से बाहर छोड़ दिया। फ्रेजरपुरा बडनेरा व भातकुली पुलिस थाना क्षेत्रों में अलग अलग मामलों में तीन लोगों की आकस्मिक मौत हुई। इसके तहत संजय गांधी नगर में रहने वाले गजानन बिजवे ने मिर्गी की बीमारी से परेशान होकर खुद के घर में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के गनोजा देवी में रहने वाले वानखड़े नामक युवक ने जहर पीकर आत्महत्या की। इसके अलावा बडनेरा नई बस्ती के बेघर निवारा में रहने वाले 65 वर्षीय वृद्ध की तबीयत खराब होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान इस वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मंगलधाम कॉलोनी स्थित नीलकंठ लेआउट निवासी संजय शेलके अपने घर के दरवाजे में ताला लगाकर किसी काम से चांदू रेलवे गए थे और रात में जब वे वापस लौटे तो घर का दरवाजा टूटा हुआ पाया। उनके घर की अलमारी में रखे 40,000 रुपए के सोने चांदी के गहने किसी अज्ञात चोर ने चुरा लिए। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यवतमाल जिले के पोफली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तरुडी गांव में विनायक भोरे व निर्मला भोरे नामक वृद्ध दंपति को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें से विनायक भोरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं उनकी पत्नी पुत्र और बहू झुलस जाने की वजह से बुरी तरह घायल है। पता चला है कि गांव वासियों ने किसी ढोंगी बाबा के कहने पर जादू टोना करने के संदेह में भोरे दंपति पर यह हमला किया था और लाठी से बेदम पिटाई करने के बाद गांव वासियों की भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी थी। मूर्तियापुर के गणेश नगर स्थित अन्नपूर्णा देवी मंदिर के पीछे रहने वाले 23 वर्षीय सूरज संजय पंदेकर नामक युवक ने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मूर्तियापुर में राष्ट्रीय महामार्ग पर कोलंब के पास मूर्तियापुर पंचायत समिति के पूर्व सभापति भास्कर राव सोनटक्के की मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल चकनाचूर होकर सोनटक्के की मौके पर मौत हो गई। वर्धा जिला अंतर्गत समुद्रपुर के समीप मुरादपुर में रहने वाले रवेश हिवसे नामक व्यक्ति के तबेले में रात 12:30 बजे के आसपास आग लग गई। इस भीषण आग में एक बैल की बुरी तरह झुलसकर मौत हो गई, वहीं 3 मवेशी गंभीर रूप से झुलस गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।